लैंडर प्लगइन दुनिया का मोस्ट पावरफुल एआई मास्टरिंग इंजन, लेट्स चेक इट आउट। इनका कहना है कि गाना आपके जॉनर और सोनिक क्वालिटी के अनुसार मास्टर होगा, क्या बात है। सो यहां पर मैं प्लगइन देख सकता हूं, अभी फिलहाल ऑफ है, एक बार साउंड सुनते हैं। नाइस, बहुत बढ़िया, जल्दी से करते हैं इसे ऑन। गाने के लाउडेस्ट पार्ट को मैं करूंगा लूप, सो दैट प्लगइन को हेडरूम का आइडिया मिल जाए। वेटिंग फॉर ऑडियो प्लेबैक, प्ले करते हैं। राइट, काफी सोनिक डिफरेंस आया है। यहां पर हमें तीन सेटिंग मिलती हैं, वार्म, बैलेंस्ड और ओपन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वार्म जो है थोड़ी विंटेज साउंड है, लो मिड्स की ओर ज्यादा एम्फेसिस करता है। बैलेंस जो है फोकस करता है क्लैरिटी और डेप्थ पे। ओपन थोड़ा मॉडर्न साउंडिंग है, पंच और प्रेजेंस पर ज्यादा फोकस है। तो आइए एक बार सुनते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है। नाइस, मुझे थोड़ी वार्म सेटिंग पसंद आई। यहां पर आप देख सकते हैं कि लो, मिड और हाई, हम इनको थोड़ा बढ़ाना या घटाना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास प्रेजेंस है, डीएसिंग है, डायनामिक सेंस में कंप्रेशन ऐड कर सकता हूं अगर और करना है, कैरेक्टर ऐड कर सकता हूं यानी कि हार्ड नी, सॉफ्ट नी, इसके अटैक और रिलीज सब एक ही नॉब से हो जाता है। और अगर मैं थोड़ी और परसेप्शन बढ़ाना चाहता हूं तो सैचुरेशन भी बढ़ा सकता हूं थोड़ा हार्मोनिक कॉन्टेंट और ऐड करने के लिए। फाइनली यहां पर मेरे पास लाउडनेस है, लेकिन अगर मैं टॉप पर यहां पर देखूं, बहुत ही ब्यूटीफुल यहां पर नॉब दी गई है जिस पर लिखा है -6.47। अभी अपने आप कैसे हो गई, क्योंकि ये अपने आप ही एक हेडरूम को मेंटेन करता है। वैसे हम चाहें तो यहां से मैन्युअली भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल वो व्हाइट है। अगर मैं इसे बढ़ाता जाऊंगा, जब वो ग्रीन हो जाएगा तो सही सिग्नल है, लेकिन जब रेड हो जाएगा इसका मतलब है मुझे वापस से थोड़ा कम कर लेना चाहिए। चलिए कितना था, मैं इसे एक आइडिया से -7 कुछ रखता हूं। राइट, इसके बाद यहां पर एक बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई है, गेन मैच। मैं गेन मैच पे ऑन करता हूं। अब इससे क्या है कि जो लेवल है वो सेम रहेगा, सिर्फ सोनिक डिफरेंस क्या है मैं वो सुन पाऊंगा, रादर देन मैं सिर्फ लाउडनेस को ही क्वालिटी का मापदंड लेकर चलूं, ऐसा नहीं है। सुनते हैं। राइट, आप देख सकते हैं कि लेवल चाहे मेंटेन है, लेकिन जैसे मैंने बायपास ऑफ किया थोड़ा सा अप फ्रंट आ गया है, काफी अच्छा है। टोनल बैलेंस बहुत अच्छी मेंटेन है और ट्रांजिएंट्स जो हैं अभी भी एकदम प्रिजर्व्ड हैं। नाइस, यहां जाऊं तो लाउडनेस में और बढ़ा सकता हूं, और कितने LUFS है इंटेग्रेटेड वो भी यहां पर बता देता है। बहुत बढ़िया, -9 -10 अप्रॉक्सिमेटली, जो कि बहुत सही है। अब यहां पर काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर -14 तो YouTube या Spotify पे हो ही जाएगा, तो मुझे लाउड क्यों करना है। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहां पर जरूर -14 पे सुनेंगे, लेकिन जब डीजे पे चलेगा, किसी शादी में चलेगा, किसी और फंक्शन में चलेगा, किसी क्लब में चलेगा, वहां पर यूट्यूब से नहीं चलता, वो डाउनलोड करके चलाते हैं। और जब ओरिजिनल फाइल अगर वो कहीं से मिल जाए उन्हें या डाउनलोड किया हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पर यूट्यूब का आउटपुट इंजन काम नहीं कर रहा होता, वहां पर पता लग जाता है कि कौन सा गाना लाउड है, कौन सा गाना कम है। तो कभी कभी जो आर्टिस्ट हैं वो क्लेम करते हैं कि जी मैं क्लब में चला रहा था अपना गाना, वहां पर इतना लाउड नहीं बजा जितना कि दूसरे आर्टिस्ट का बज रहा था। दूसरी चीज ये है कि आपका जो मेन फोकस क्या है, YouTube से ज्यादा आपका फोकस होता है अपने आर्टिस्ट की तरफ। आपने उसे गाना भेजा, उसने लाउडेस्ट सुनी और उसने कहा हाँ बहुत अच्छा मास्टर हो गया, उसने पास कर दिया। इस रीजन से चाहे -14 है, लेकिन हम लाउड भेजते हैं कभी कभी अपने आर्टिस्ट को। ओवरऑल मुझे प्लगइन काफी अच्छा लगा है, मैं इक्वलाइज कर सकता हूं फोकस, अगर मैं थोड़ा अपने किक और स्नेर को थोड़ा पंच सेंटर में सेंट्रलाइज करना चाहूं, या मैं थोड़ी विड्थ ऐड करना चाहूं तो यहां से स्टीरियो फील भी दे सकता हूं। कंप्रेशन है, सैचुरेशन है, ओवरऑल कैरेक्टर है। डीएसिंग भी की जा सकती है कि अगर कोई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो रिमूव करना चाहूं मैं हायर साइड पे, तो वो भी कर सकता हूं। तो काफी अच्छा प्लगइन है, लाउड हो जाता है लेकिन ट्रांजिएंट जो है वो प्रिजर्व रहते हैं। टोनल बैलेंस बहुत अच्छा है और तीनों की तीनों जो यहां पर प्रीसेट दिए गए हैं वो भी मुझे काफी पसंद आए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए लैंडर मास्टरिंग। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल, साइनिंग आउट। नमस्ते।